मऊ पुलिस द्वारा बुधवार को गाजीपुर के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में माफिया मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी के नाम से दर्ज भूमि गैंगस्टर एक्ट के मामले में कुर्क की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। मऊ जनपद से क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में आई पुलिस टीम ने डुगडुगी बजाते हुए कुर्की की कार्रवाई पूरी की। मुकदमा अपराध संख्या 8/22 थाना दक्षिण टोला मऊ में वांछित अभियुक्त हैं, जिनके खिलाफ 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दी गई थी विवेचक द्वारा, सराय लखनसी प्रभारी निरीक्षक द्वारा, जिलाधिकारी मऊ महोदय के आदेश दिनांक 21/6/2022 के अनुक्रम में धारा 14(1) के अंतर्गत आराजी संख्या 70, रकबा करीब 235,000, बाजारू मूल्य करीब 3.5 करोड़ रुपए कुर्क किया जाता है। कुर्की की कार्यवाही के दौरान गाजीपुर प्रशासन भी मौजूद रहा। इस मौके पर मऊ सदर सीओ धनंजय मिश्र ने बताया कि मऊ जनपद के दक्षिण टोरा थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में आफसा अंसारी की सदर कोतवाली गाजीपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव स्थित 11 बिस्वा से अधिक भूमि कुर्क की गई है, जिसकी वर्तमान बाजारू कीमत लगभग 3.50 करोड़ है। आफसा अंसारी गैंगस्टर एक्ट में वांछित है। यह कुर्की की कार्यवाही मऊ जिलाधिकारी के आदेश पर की गई है। बता दें कि मऊ जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के यूसुफपुर निवासी आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी द्वारा अवैध रूप से अर्जित 3.76 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था, जो रकबा 235 एयर मौजा शेखपुर परगना व तहसील सदर जनपद गाजीपुर में स्थित है। आफसा अंसारी के खिलाफ जनपद गाजीपुर के अलावा जनपद मऊ में भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। कुर्क की जाने वाली जमीन आफसा अंसारी द्वारा अवैध रूप से कमाए गए धन से क्रय की गई थी। कार्रवाई के दौरान सदर तहसीलदार अभिषेक कुमार, नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग के साथ ही मऊ और स्थानीय कोतवाली पुलिस भी मौजूद रही। गाजीपुर में कुर्की की कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई है ये? श्रीमती अफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी की संपत्ति है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति है। आराजी संख्या 70 शेखपुरा, लगभग 235 एयर, बाजारू मूल्य इसका करीब 3.5 करोड़ है। ये मुकदमा अपराध संख्या 8/22 गैंगस्टर एक्ट में वांछित हैं। दक्षिण टोला के मुकदमे में मऊ के उसी के तहत इनकी धारा 14(1) के तहत संपत्ति मऊ के जिलाधिकारी महोदय के कल के दिनांक 21/6/2022 के आदेश से कुर्क की गई है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।